गाजियाबाद में देर रात एक मकान और तीन दुकानों में भीषण आग लग गई और समय रहते घर में मौजूद आठ लोग बाहर निकल गए। फायर फाइटर्स ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक कई लाख रुपए का नुकसान हो चुका था। यह हादसा विजयनगर थाना क्षेत्र में सम्राट चौक के नजदीक हुआ। तो यहाँ ग्राउंड फ्लोर पर तीन दुकान और फर्स्ट फ्लोर पर मकान बना है। जानकारी के अनुसार शॉर्ट सर्किट से एक दुकान में आग लगी और ये फैलती चली गई। कुछ मिनटों में दुकानों के ऊपर घर भी आग की लपटों से घिर गया। हालांकि तब तक घर के सभी सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका था। आसपास के लोगों ने अपने स्तर से बचाव राहत के प्रयास शुरू किए। इधर दमकल वाहन भी पहुंच गया। जहां पर आग लगी थी वहां सड़क पर कुछ टेम्पररी दुकानें थी और जिन पर बांस और तिरपाल लगे हुए थे, आग वहां तक पहुंच सकती थी। इसलिए लोगों ने सबसे पहले उन टेम्पररी दुकानों को उजाड़ा। मुख्य अग्निशमन अधिकारी CFO राहुल पाल ने बताया कि समय रहते आग बुझा दी गई, कोई जनहानि नहीं हुई है। संभवतः दुकान शॉर्ट सर्किट से ये अग्निकांड हुआ है।